आज हो गया हमें सेकेंड डे यहाँ पे आए हुए, और आज हम इस सिटी की सैर के लिए निकले हैं कि वाइन्सब्रो आए हुए हैं। और यहाँ से हम लोग, यहाँ पे हमने सुना है कि इतना म्यूज़ियम है जो कि बहुत अच्छा है, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे और डिफरेंट जगहों पर जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। जी हम होटल के पास जो है ना एक एंटीक मॉल है, वहाँ पर आए हैं। और आज मेरा ख्याल है 13 अक्टूबर 2022 है। माहौल आप देखें, वो फॉल के कलर्स आपको कुछ हद तक नज़र आएंगे, बड़े खूबसूरत है। ये आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये फॉल के कलर्स आपको थोड़े से नज़र आएंगे, मगर ये है कि इट्स ए ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। ये मॉल है, बोया कम कम बेटी मेरी जान। पुराने जमाने में, हाँ बिल्कुल पुराने जमाने की चीजें ऐसे लग रहा है जैसे कोई 50 साल पीछे आए हैं। एंटीक, ये देखें पुराने जमाने की अलमारी, सेफ अलमारी। सन की ये चेयर जरा देखें, कोई 200 साल पुरानी तो होगी। ये देखें, ये 1958 का मैगजीन है, January 20, 1958। और ये देखें तब भी अमेरिका में कितनी डेवलपमेंट थी कि किस तरह का मैगजीन बना। ये देखें गाड़ियों का एड, ये विटामिन्स का एड है, मतलब कि तब भी बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट थी 1958 आज से काफी साल पुराने। गाड़ियों का एड, ये देखो, और ये देखें मेरी बेटी ना बर्तनों को अभी से सेट कर रही है ताकि, मेरी बेटी को घरदारी का बड़ा शौक है, तो अगर कोई रिश्ता हो अच्छा तो बताइएगा क्योंकि घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना आता है, घरदारी, बर्तनों की मैनेजमेंट, खाने पकाने सब कुछ इसको आता है, मेरी बेटी को, प्यारी को। जोया इधर देख लो, हाँ ये देख लेंगे, ये हमारी बेटी इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता बताए। हाँ 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 जी मेरी जान। हाँ क्या कह रही है जी। ये देखें ये सारा फर्नीचर जो है ना ये 1920s का बना हुआ है। ये देखें पहले ऐसे, वो सामने देख रहे हैं ऐसे ड्रेसिंग होते थे जो कि खैर पाकिस्तान में तो अभी भी ऐसे होते हैं फिलहाल, लेकिन ये देखें ये सारी चीजें 1920s की बनी हुई। ये देखें पुराने जमाने के ना बर्तन के बने हुए लोहे के। ये देखें ये बॉटल्स इनके लिए एंटीक बन गई हैं, और पाकिस्तान में स्टिल ये वाली बॉटल्स यूज हो रही हैं कोका कोला की, लेकिन यहाँ नहीं यूज होती, यहाँ पे एंटीक में आ गई हैं। ये देखें ये कितना पुराना है ना, देखें अगर पाकिस्तान में हो तो कोई लेना पसंद करे। और यहाँ पे ना इसकी प्राइस है, लेट मी शो यू, $395।
और लोग लेते हैं। वाइड एंगल में बना के देख लूं कैसा इफेक्ट आता है। दोनों एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं। अब हम करने लगे हैं यहाँ से चेकआउट। आज 14 अक्टूबर है, जोया की बर्थडे भी है और आज शाम तक हम घर पहुँच जाएंगे। 2 नाइट्स हमने इस होटल में स्टे किया है और आज इंशाल्लाह हम रात तक घर वापस पहुँच जाएंगे। ये देखें जिद किस बात पे हो रही थी कि पिज्जे का सारा पीस मुझे पकड़ा है। ये देखें जरा, और जिद की है और पिज्जे का पूरा पीस लिया है और अब खाया भी नहीं जा रहा और पकड़ा भी नहीं जा रहा। और आज इसकी हैप्पी टू यू है। और आज इसकी हैप्पी टू यू है और ज्यादा ही ना हमारे साथ नखरे कर रही है। ये देखें, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो के यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। तो हमारा प्लान है कि हम जोया और जयान को इस यूनिवर्सिटी में भेजेंगे या इससे भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजेंगे इंशाल्लाह। आपसे 16 साल बाद, ठीक है, जब जोया हाई स्कूल से ग्रेजुएट करेगी, ठीक है, तो अगर जोया की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और ग्रेड्स और सैट स्कोर्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो यार तभी इसको एडमिशन मिलेगा ना, नहीं तो इसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा इस तरह की यूनिवर्सिटी में। नेचुरल सी बात है, तुम्हें पता है जिंदगी में हर अच्छी चीज के लिए कॉम्पिटिशन होता है। जैसे जो भी अच्छी रिश्ता होता है, देखो लोग उसके पीछे, सॉरी उसके लोग पीछे होते हैं, ठीक है ना। आ सकते हैं बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में। सही कह रहे हैं। ये लाइक रेस्टोरेंट्स, शॉप्स हैं। वो इसी तरह की किसी रेस्टोरेंट में जॉब करता था, बारटेंडर था। जो सबसे ज्यादा अटेंशन दे बड़ी चीज है ना इस यूनिवर्सिटी की, वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी का भी मेडिकल स्कूल है जो कि बहुत एलीट है। कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म में ये सीन चल रहा है कि यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। मैं क्या बनी हुई हूँ? जिन बनी हुई हूँ, जिन।
ये आया जोया का बर्थडे गिफ्ट और अब हम ये ओपन करने लगे हैं। और एक जोया का बर्थडे गिफ्ट, इसके बाबा ने इसको ये गाड़ी लेके दी है। ये चार्जिंग कार है और ये चार्ज होती है और फिर जोया इसको जितना मर्जी चलाए। Look, wow. Wow, जोया के लिए यूटेंसिल्स आए हैं, बर्तनों का सेट आया मेरी बेटी का। Wow. Oh, wait. Yes, happy to you का गिफ्ट है। पिक्चर भी खींचो ना। मेरे सामने। Wow. हम अपनी बेटी को जो है ना किचन का काम और घरदारी पहले से सिखा रहे हैं ताकि जब ये बड़ी हो और हम इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढें तो हमें अच्छा रिश्ता मिल जाए और ये अपने घर जाके तो अच्छे खाने पकाए अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो ये अभी यहाँ से हम अपने बेटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बर्तन आए हैं देखो जरा आपके।